हाय यूट्यूबर्स, आज हम रिव्यू करेंगे इस सोलर स्ट्रीट लाइट का। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, इसमें से हम एक मॉडल का आज रिव्यू करेंगे। तो ये काफ़ी सारे मॉडल्स हैं इसमें, ये वाले जो हैं ये SMDs में हैं और ये वाले भी हैं ये चिप में हैं, और अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। जैसे इसमें सिंगल एक ही चिप है, इसमें डुअल चिप हैं, इसमें तीन तरह की चिप, और ये 4, ये 6, और इसमें गोल राउंड चिप्स हैं 8। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ये इसके मॉडल्स हैं LEDs में, SMDs में, तो ये SMDs कहलाती हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है SMD। और ये जो है ये चिप में है COB, जिसको COB कहा जाता है, तो ये COB के मॉडल्स हैं। ये वाले जो हैं ये SMD में, तो आज हम रिव्यू करेंगे इसका 7552, तो SMD मॉडल। इसमें 2 रोज हैं SMDs की, तो अब इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमें ये स्क्रूज़ का एक सेट मिलेगा, जिससे हम इसको बनाएंगे और उसके बाद जो है ना इसको वॉल पे दीवार के साथ माउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये स्ट्रीट लाइट है तो गली में आप इसको लगा सकते हैं, सेहन में लगा सकते हैं, जहाँ पर धूप पड़ती हो। तो ये हमारी लाइट है और ये इसकी ब्रैकेट है। अच्छा, इसमें 2 तरह की ब्रैकेट्स आती हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और इसके साथ रिमोट भी इसका आता है। बॉक्स को हम यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, ये हो गया इसका रिमोट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रीट लाइट की। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा सोलर पैनल है और ये पॉली सोलर पैनल है, जो कि धूप से इसकी बैटरीज को चार्ज करता है। और ये हो गई हमारी स्ट्रीट लाइट। अच्छा, इस स्ट्रीट लाइट में ये इसका मोड स्विच भी है, ऑन ऑफ का भी है। मोड आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और रिमोट से भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें इसके ऊपर, रिमोट के ऊपर मोड है, मोड 1, मोड 2, मोड 3 और ऑन एंड ऑफ। उसके अलावा ये जो है ये इसका सेंसर है, इसके लिए रिमोट के लिए। ये इसमें मोशन सेंसर भी है, मोशन सेंसर के साथ है ये। जैसे कोई बंदा सामने मूव करेगा तो ये ऑन हो जाएगी, और जब कोई नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो ये फिर ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली इसका सारे फंक्शन है। अच्छा, अब हम इसको सोलर लाइट को ऑन कर लेते हैं। तो ये इसका स्विच है, यहाँ से हम ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गई। काफ़ी तेज़ इसकी लाइट है। अच्छा, अब इसको लाइट मिल रही है तो इस वजह से ये ऑफ़ हो रही है, ये देखें। अब इसको लाइट नहीं मिल रही तो ये ऑन हो रही है, लाइट की तरफ कर रहा हूँ तो ये ऑफ़ हो रही है। अब जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इसके पीछे पैनल के पीछे हाथ रखता हूँ तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी खुद ही। ये आप देखें, ये ऑन हो गई है, क्योंकि धूप की रोशनी इसको अगर मिलती रहेगी, धूप की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती रहेगी, तो ये ऑफ़ रहेगी और ये बैटरी इसको चार्ज करती रहेगी। और जिस वक्त इसको धूप की रोशनी बंद हो जाएगी तो फिर ये वापस ऑन हो जाएगी। अच्छा, एक मोड इसका ये है, इस मोड में ये होता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसको माउंट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर ये स्क्रूज़ हैं, ये वाली जो इसकी ब्रैकेट है ये इसको लगेगी यहाँ पर इस जगह पर, तो ये इस तरह से लग जाएगी। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये लगेगी दीवार के साथ। जैसे आपके पास कोई स्ट्रीट है, गली में या सेहन में आप लगाना चाह रहे हैं, तो इसको यहाँ पर फिट करेंगे, ये यहाँ इस जगह आ गए। अब आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर रखना चाहें तो ये नीचे करके थोड़ी आएगी। यहाँ पर अगर आप इसको सेट करते हैं ये, और अगर आप ऊपर करना चाहें तो आप इसको ये यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। मज़ीद ऊपर करना चाहें तो आप इसको और ऊपर कर सकते हैं, ये इस जगह पर, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्क्रू इसको लगा दें तो यहाँ पर टाइट हो जाएगी। उसके बाद ये आ जाएगी इसको यहाँ पे, तो ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब दीवार के ऊपर आप ऐसे करके लगाएंगे तो ये इस तरह से रहेगी, नीचे इसकी डायरेक्ट नीचे रोशनी पड़ती रहेगी। इस तरह लगाएंगे तो सीधी नीचे पड़ेगी, नहीं तो इस तरह लगाएंगे तो सामने को पड़ेगी। तो अब आप इस तरह से माउंट करेंगे, ये दीवार के साथ आ जाएगा और ये इस तरह से उठी हुई रहेगी। मज़ीद आप इसको ऊपर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, सारी सेटिंग इसके ऊपर है। जहाँ पे भी आपको मुनासिब लगे आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये है, अब ये मज़ीद ऊपर होगी, ये बिल्कुल सीधी दीवार के साथ ऐसे करके लग जाएगी, और यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट लगाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल जैसे आपने देखी हैं बाहर स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं रोड पर। ये होम यूज़ के लिए। अच्छा, उसके बाद अब इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला मोड है, तो जिस पे ये फुल डिस्प्ले पे ऑन हो जाएगी, ये फुल डिस्प्ले पे ऑन हो रही है। अब इसको पीछे से जैसे हम अंधेरा रखते हैं, ये इसका फर्स्ट मोड है।
अच्छा, ये ऑन होगी 20 सेकंड तक ऑन रहेगी, आप इसको देखें। उसके बाद मोशन सेंसर जो है ना, वो उसका मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि जैसे ही सामने कोई चीज़ मूव करेगी तो ये वापस ऑन हो जाएगी। फर्स्ट मोड जो है इसका, इसमें ये बिल्कुल ऑन रहेगी, फुल पावर पे फुल लाइट देगी। उसके बाद ये 20 सेकंड गुजरेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। जैसे अभी इसको 20 सेकंड हो गए, ये ऑफ हो गई। अब इसके सामने, मोशन सेंसर सामने कोई भी चीज़ हरकत करे, जैसे ये देखें, ज़रा सी हरकत हुई, ये वापस ऑन हो गई। फिर से ये 20 सेकंड तक ऑन रहेगी और वापस फिर से ऑफ हो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट मोड है। अगर आप इस मोड पे रखना चाहेंगे तो इस पे ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगी, क्योंकि ये वैसे ऑफ रहेगी। अगर कोई बॉडी सामने मूव करती है तो ही ये ऑन होगी और इसकी बैटरी यूटिलाइज होगी, नहीं तो ये ऑफ मोड में है। अब इसकी बैटरी बिल्कुल सेफ है। अच्छा, सेकंड जो इसमें मोड है वो है ये वाला मोड। अब ये सेकंड मोड में आ गई। इसमें आप देखें हल्की सी ये ऑन है, लेकिन सामने कोई चीज़ मूव करेगी तो ये ज़्यादा फुल लाइट आ जाएगी। ये देखें, या फुल लाइट पे आ गई। और वैसे जो है, अब ये भी इसकी फुल लाइट 20 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये इसका सेकंड मोड है। वैसे ये लो पावर कंजप्शन पे रहेगी, हल्की हल्की रोशनी देगी, मतलब बिल्कुल गली में या शहर में अंधेरा नहीं होगा, हल्की लाइट रहेगी इसकी, थोड़ी बहुत रोशनी रहेगी, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ सामने मूव करेगी तो ये फुल डिस्प्ले में आ जाएगी। तो ये इसका सेकंड मोड। अभी आप देखें, ये हल्की सी ऑन है, ये आप देख सकते हैं। अब तो इसको पीछे से लाइट पड़ रही है, तो यह फुल डिस्प्ले में आ गई है। जैसे ही इसको 20 सेकंड इसके पूरे होंगे तो ये ऑफ मोड में चली जाएगी और लो पावर कंजप्शन पे रहेगी। तो ये इसका सेकंड मोड है, जिसमें ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, लेकिन फुली जो है ना, बिल्कुल गली या सेन में अंधेरा नहीं करेगी। तो अब ये इसको 20 सेकंड होने वाले हैं। अब ये जो है ना, ये फुल इसकी जो लाइट ऑन है ये ऑफ हो गई, और ये देखें आप, हल्के मोड पे ऑन है, हल्की लाइट्स ऑन है। ये इसका सेकंड मोड है, और जैसे ही मूवमेंट हुई ये वापस ऑन होगी। अच्छा, थर्ड जो इसका मोड है वो ये वाला है, ये इसका थर्ड मोड है। इसमें ये होता है कि ये हल्की ऑन रहती है और ये ऐसे ही ऑन रहेगी, भले सामने कोई हरकत हो, मूवमेंट हो, कुछ भी हो, ये बिल्कुल जो है ना ऑफ नहीं होगी, ना ही ये बिल्कुल हाईलाइट ऑन होगी। तो ये इसका थर्ड मोड है। तो ये तीन तरह के मोड हैं। अगर आप चाहते हैं हल्की सी रोशनी हर टाइम बाहर रहे तो ये इस थर्ड मोड में आप छोड़ दें। अगर आप चाह रहे हैं हल्की रोशनी थोड़ी बहुत रहे, लेकिन जो है ना, जब कोई हरकत करे, कोई आदमी सामने से गुजरे या कोई गली में आए दरवाजे की तरफ या कोई चोर वगैरह आए, तो ये फुल ऑन हो जाए, तो ये आप इसको फिर सेकेंड मोड पर यूज़ करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सेफ़ रहें, कम बैटरीज यूज़ हों और रोशनी पूरी रात ये देती रहे, तो उसके लिए आप इसको फर्स्ट मोड में रखें ताकि ये वैसे ऑफ़ रहे, बैटरी सेफ़ रहें, जैसे ही कोई आदमी सामने से हरकत करेगा तो उस टाइम पर ये ऑन हो जाएगी। तो ये इसके थर्ड मोड, और यहाँ पर ऑफ़ हो जाती है। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल, इसका जो पैनल है ये सील्ड है साइडों से, बिल्कुल इसमें कोई स्पेस नहीं है। ये इसके अंदर ग्लू के साथ बिल्कुल सील पैक है, और मैंने इसको बहुत करीब से भी इसको चेक किया है, इसमें कोई किसी तरह का कोई स्पेस नहीं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, और ये साइडों से भी इसमें पानी जाने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ये समझ लें 0.1% चांस है इसका कि इसके अंदर पानी जा सके। नहीं तो यहाँ से जब बारिश होगी तो इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है, ये वाटर प्रूफ है। इस तरह से अगर पानी पड़े तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके एयर के लिए थोड़े से वेंट्स बने हुए हैं, यहाँ से फिर थोड़ा बहुत पानी जा सकता है। लेकिन इस तरह से अगर आप लगाते हैं, और ये लगती भी इसी तरह से है, ऊपर से इसको सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, और आप इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर इसको सूरज सही से पड़े, सारा दिन इसको सूरज की लाइट ऊपर पड़ती रहे, उसके बाद सूर्य ग़ुरूब हो तो ये नीचे जहाँ आपको नीड है गली में, ऐसी जगह आप सेलेक्ट करें जहाँ पर आपको नीड है वहाँ लगाएं, लेकिन सूरज की रोशनी भी इस पर पड़ती रहे, इसके ऊपर साया नहीं आए, तो आपकी बैटरीज अच्छा चलेंगी। ये इसमें मोड्स हो गए, ये इसकी ब्रैकेट्स हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिमोट की। तो रिमोट्स में भी ये आप इसका निकाल दें ताकि बैटरी इसका कनेक्शन बन जाए। आप इसको रिमोट से भी जो है ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ये रिमोट से भी ऑन ऑफ़ होती है, और इसमें इसी तरह के जो है ना तीन मोड्स इसके रिमोट पर भी यूज़ होते हैं। इसके रिमोट में ये SOS लाइट है, अगर आप SOS पे ऑन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, नीड पे यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन। ये इसका मोड 1 है, जैसे मैंने आपको स्विच से बताया, मोड 1, मोड 2 और मोड 3, तीनों मोड्स हैं। मोड 1 में आपको बताया कि ये फुल डिस्प्ले पे ऑन रहेगी और उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगी, जैसे ही मूव होगा, कोई बंदा सामने गुजरेगा तो ये वापस ऑन हो जाएगी।
सेकेंड मोड में ये हल्की ऑन रहेगी, जब कोई सामने से गुजरेगा ये ऑन हो जाएगी, 20 सेकेंड तक ऑन रहेगी, फिर ऑफ़ हो जाएगी, फिर हल्की मोड में चली जाएगी। थर्ड मोड में जो है इसका, ये बिल्कुल लो पावर पे ऑन रहेगी कंटिन्यूसली, फिर सामने कोई हरकत करे या एक जगह खड़ा रहे, कुछ भी हो तो ये ऑन ही रहेगी, ये ज़्यादा मज़ीद ब्राइट नहीं होगी। तो ये इसका थर्ड मोड है। तो ये तीन तरह के मोड हैं। इसमें जो बैटरी डलती है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें सेल डलता है CR1220। तो ये जिस टाइम पर सेल ख़त्म हो उस टाइम पर आप दूसरा भी सेल इसमें डाल सकते हैं। ये इसकी बैटरी है, ये आप चेंज कर सकते हैं जब कभी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगर आप रिमोट से ऑपरेट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको यहाँ स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट इसलिए है कि अगर आप इसको ऊंची जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर आपका हाथ पहुँचना मुश्किल है, अमूमन ये होती भी ऊंची जगह पर है, तो नीचे से आप रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ईजीली। तो ये था हमारी स्ट्रीट सोलर लाइट का रिव्यू, जो कि सोलर लाइट है, सोलर सिस्टम पर चलती है, दिन में चार्ज होगी, रात को ऑटोमेटिकली ऑन होगी। आप एक दफ़ा लगाएं उसके बाद इसको आप भूल जाएं, इसके लिए आपको कोई बार बार ऑन ऑफ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगी। अगर आप घर से कहीं बाहर भी चले जाते हैं कुछ दिन, एक हफ़्ता दो हफ्ते, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होगी, ऑटोमेटिकली ऑफ होगी, चार्ज होती रहेगी चाहे बिजली हो या ना हो। तो अब जैसे समर का सीज़न आ रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें ये लाइट बहुत ही अच्छी रहेगी सबके लिए, क्योंकि इसमें ये फंक्शन है, ये इसको इलेक्ट्रिसिटी की तो नीड ही नहीं है, ये सोलर सिस्टम पर चलती है। तो आप एक दफ़ा लगा के उसके बाद छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली सारा फंक्शन करेगी। अगर इन केस इसके अंदर बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं, आप वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेल डलते हैं वो ये वाले 18650 वाले सेल, ये आपको लैपटॉप की बैटरी से भी मिल जाते हैं, पावर बैंक्स में भी यही सेल डले होते हैं, नहीं तो आपको ये मार्केट से भी मिल जाते हैं। अलग अलग जगह पर इसकी अलग प्राइस रेट है। अच्छे MAH के आप सेल डालेंगे वो आपके पास ज़्यादा बैकअप देंगे। तो ये इसके सेल्स हो गए। इस तरह के दो सेल्स इसमें होते हैं, तो ये आप जब चाहें, अगर सेल्स आपको बैकअप सही नहीं दे रहे, इस जगह पर दो सेल लगे हैं इसके अंदर, तो इसकी भी रिपेयर का मैंने एक वीडियो जो है वो अपने इस पे चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं किस तरह से बैटरीज लगेंगी। उसके साथ एक BMS मैंने अटैच कर दिया था 1S वाला, उससे सेल्स की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, वो ओवर डिस्चार्ज नहीं होते, नहीं तो ये ओवर डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनकी लाइफ कम हो जाती है। तो चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है ना आपको मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।